यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के लिए टक्कर मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसे लेकर दोनों दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी रणभीड़ शुरू हो गया। 2024 के केंद्र की लड़ाई के बीच प्रदेश में राज्यसभा सीटों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकती है। वजह भी साफ है, यूपी में अगले साल अप्रैल के महीने में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने का होड़ मचा हुआ है। आने वाले साल में यूपी में दोहरी जंग देखने को मिलेगा, मई में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे ठीक पहले अप्रैल में राज्यसभा चुनाव होना है, जो 10 सीटों पर चुनाव होना है। इस मौजूदा समय 9 पर बीजेपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, जिससे जया बच्चन सांसद है। कयास लगाया जा रहा है कि मई के महीने में राज्यसभा के लिए चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें फिर से दोबारा मौका नहीं देंगे। लगता है कि सफाई घराने से कोई राज्यसभा जाएगा या समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेताओं पर दाव लगा सकती है। वहीं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी के साथ अन्य 8 नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें से सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर पार्टी किसी को दोबारा मौका देने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस पिछड़ा और दलित वर्ग पर है। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ों और दलितों को राज्यसभा भेजना चाहती है, जिसे उसे फायदा 2024 के लोकसभा में मिल सके। यह सब प्रोड्यूस किया था हमारे साथी सैफुल हक ने। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए वी हुआ।